वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेब। स्टडी वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के तहत हम फर्स्ट इन वर्ल्ड कवर करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब मैंने कवर कर चुका हूं। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जरूर जाकर के देखें, जो कि आपको स्टैटिक जीके नाम का प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ये वीडियो सारे स्टैटिक जीके के तहत मैं कवर कर रहा हूं। तो हम शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेरपा तेंजिंग, जो कि 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया हुआ था। ये देख रहे हैं इनका, ये इन शेरपा तेंजिंग का इमेज है। इनका जन्म 1914 में हुआ था, इनका देहांत 1986 में, और यह नेपाली थे। तो शेरपा तेंजिंग कहाँ के थे, नेपाल के। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका जन्म और मृत्यु से याद नहीं रखना है, बहुत करना है। तो इनका आप नेशनलिटी याद कर सकते हैं कि नेपाल का था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेरपा तेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, जो हमारा अर्थ है, तो उसमें दो पोल है, एक तो हो गया ये साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल। तो मतलब नॉर्थ पोल तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट एडविन पेरी। एडविन पेरी फर्स्ट व्यक्ति बने थे जिसने नॉर्थ पोल की तक अपनी यात्रा पूरी की थी। यह इमेज देख सकते हैं, यह है रॉबर्ट एडविन पेरी का इमेज। इनका जन्म 1856 में और इनका देहांत हुआ था 1920 में, और यह एक अमेरिकन नेशनलिटी था। तो आपको इनका ये इसमें नहीं याद रखना है कि कब उनका जन्म हुआ था, कब इनका मृत्यु हुआ था, बस आपको ये नाम याद रखना है। और एग्जाम में मेनली नाम ही पूछा जाता है। ये देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल का इमेज है, तो पूरी तरह से नॉर्थ पोल पे बर्फ ही मिलेगा, वहां पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था। नॉर्थ पोल में तो अभी देख लेते पेरी, और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था। तो इसका भी नाम याद रखना है आपको, रॉल्ड अमंडसन। ये इमेज देख रहे हैं रॉल्ड अमंडसन का है, जो कि नॉर्वे से हैं, और इनका जन्म हुआ था 1872 में, 1928 में इनका देहांत हो गया। तो आप सबका इमेज देख करके आपको सबको रिमेम्बर, मतलब याद करने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैंने सबका इमेज लगाया। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला आदमी, इनका नाम याद रखना है आपको। ये साउथ पोल, ये जो इमेज है ये साउथ पोल का इमेज है, और यहाँ पे कुछ रेसेस भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, वही रेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। पेपर करेंसी का मतलब होता है कि कागज की मुद्रा, कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। चाइना फर्स्ट ऐसा कंट्री बना था जिसने पेपर करेंसी लॉन्च किया था। ये देख सकते हैं, ये यही पेपर करेंसी है चाइना का, सबसे पहले चाइना के द्वारा ही पेपर करेंसी लॉन्च किया गया था। और उस समय में जो चाइना में था, ये सॉन्ग डायनेस्टी राज कर रहा था चाइना में, और 1960 एडी से लेकर के 1279 एडी तक चाइना में सॉन्ग डायनेस्टी का राज था। तो उसी के दौरान कागज पेपर करेंसी लॉन्च किया गया था, और इस पेपर करेंसी जो लॉन्च किया गया था, इस सिस्टम को हम जेओजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज कंपटीशन एग्जामिनेशन। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप याद करके रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा चाइना। सिविल सेवा सबसे पहले चाइना में ही शुरुआत किया गया था। यह चाइना का मैप है, चाइना यहाँ पे देख सकते हैं, मंगोलिया है, रसिया है, कजाकिस्तान है, और ये अपना प्यारा देश भारत है। तो इस तरह से आप मैप को भी देखने की कोशिश किया कीजिए, उससे क्या होगा कि आप मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो आप सॉल्व कर लेंगे। ये देख रही है पाकिस्तान है यहाँ पे, ये अफगानिस्तान हो गया, और यह ईरान है, ठीक है। जिस तरह से देख सकते हैं कि चाइना से कौन कौन देश लग रहा है, मंगोलिया बाउंड्री शेयर कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है, किर्गिस्तान कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान कर रहा है। तो इस तरह से आप सारा मैप को देख करके आप देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन शहर बना हुआ है अमेरिका में। तो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन। इनका जन्म हुआ था 1732 और 1799 में इनका देहांत हो गया। और इनका जो प्रेसिडेंट, ये जो प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका में, 1789 से लेकर के 97 तक रहे थे। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो मात्र 4 साल के लिए होता है,
चार साल के लिए होता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट केवल टू टर्म्स तक ही बन सकता है। जैसे कि यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई ऐसा टाइम लिमिटेड नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम तक वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रह सकता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में पांच साल के लिए पोस्ट होता है इंडिया में, लेकिन वहीं पे हम अमेरिका की बात करें तो यह पोस्ट मात्र चार साल के लिए होता है और केवल टू टर्म्स तक ही वहां पे प्रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पीएम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको अमेरिका का नाम याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन उतना इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट वॉलपोल। इमेज है रॉबर्ट वॉलपोल का, ये पहला प्राइम मिनिस्टर बना था कब, ग्रेट ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन है, फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उरुग्वे 1930। देखिए उरुग्वे जो है सो फुटबॉल में बहुत आगे है, तो उरुग्वे 1930 में पहला ऐसा देश बना था जो कि सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप जीता था। इमेज देख सकते हैं, उरुग्वे का मैप है उरुग्वे, और उरुग्वे जो है सो साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ये ब्राजील है, वो बोलीविया है, ये अर्जेंटीना है, ये चिले है, ये पेरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है, ये हम बताए थे आपको इससे पहले भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट ऐसा कंट्री बना था जिसने रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उनको याद रखना है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले यूएसए के द्वारा ही तैयार किया गया था। और यूएसए की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूनाइटेड स्टेट, ये देख रहे हैं कनाडा है, ये मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भारत का सॉरी पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना था। वहीं पे हम यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन थे, ठीक है। ये देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना है, इनका जन्म 1876 में और 1948 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस, उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रसिया। ये इमेज देख रहे हैं, ये रसिया, ये जो मैप है ये रसिया का है, ये पूरे रसिया है, ठीक है। ये सब पहले भी यूक्रेन सब रसिया में आता था, यूएसएसआर के अंतर्गत आता था, बाद में जब यूएसएसआर टूट गया तो ये सब अलग हो गया, ठीक है। ये रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया, चाइना, इस तरह से आप बराबर मैप देखते रहे। मैप देखने से क्या होगा कि आपका ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम, मतलब पहला कौन सा ऐसा देश था जिसने मॉडर्न ओलंपिक गेम का ऑर्गेनाइज किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीस 1896 में सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम का ऑर्गेनाइज हुआ था, कहां पे, ग्रीस में। ग्रीस की राजधानी के बारे में बात करें तो इसका राजधानी है एथेंस, तो एथेंस में ही फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम खेला गया था। और ये जो समर ओलंपिक गेम जो होता है जो ग्रीस में हुआ था वो समर ओलंपिक गेम था, तो ये चार साल के अंतराल पे होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि चार साल के अंतराल पे ओलंपिक गेम होता है। 2020 का बात करें तो 2020 का ओलंपिक गेम टोक्यो में होने वाला था लेकिन कोरोना के चक्कर में से तत्काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। ये देख सकते हैं ओलंपिक में रिंग, तो आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है, इससे पूछ लिया जाता है कि कौन सा महादेश को कौन सा रिंग डिनोट करता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रेड कलर का जो आप रिंग देख रहे हैं यह अमेरिका को डिनोट करता है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं यह ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है, या जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं यह अफ्रीका को डिनोट करता है, वहीं पे ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं यह येलो कलर एशिया को डिनोट करता है, और ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं यह यूरोप को डिनोट करता है। तो आपको सारा याद रखना है, और इसमें से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्लैक कलर किसको डिनोट करता है और येलो कलर किसको डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं आप, तो ये जो कंट्री है ये है ग्रीस, इसकी राजधानी कहां पे, एथेंस, यहीं पे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चाइना का पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये थे डॉक्टर सुन एथ सेन, ठीक है, ये नाम याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सिटी टू विक्टिम ऑफ एटम बम, मतलब एटम बम का शिकार होने वाला पहला शहर कौन था। तो यह नाम आप सबको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत एक बम गिराया गया था जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो पहला शहर था हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर है। तो हिरोशिमा पे पहला बम गिराया गया था और आप सबको पता होगा नागासाकी पे दूसरा बम गिराया गया था। यह देख सकते हैं उस समय का फोटो है जब बम एटम बम वहां पे ब्लास्ट हुआ था, या हिरोशिमा पे ब्लास्ट हुआ था। हिरोशिमा पे आपको याद रखना है 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान का एक देश है, जापान का एक शहर है। देखिए यहाँ पे आप फोटो देख इमेज में देख सकते हैं, यह जो है यह हिरोशिमा है, यह जो मैप देख रहे हैं यह हिरोशिमा का है और नागासाकी यहाँ पे नागासाकी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। जो मैप देख रहे हैं यहाँ पे ये नागासाकी है। तो 6 अगस्त को यहाँ पे गिराया गया था और 9 अगस्त को यहाँ पे गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था। तो उस समय में ये हमारे भारत का पार्ट था और यह था तक्षशिला। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी चला गया पाकिस्तान के अंतर्गत, जो कि रावलपिंडी एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाया जाता है। ये देखते हैं ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ही एक इमेज है जो कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और इसका स्थापना 1000 BC में हुआ था। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पूरे भारत को एकीकृत किया था, एक साम्राज्य सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत लाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो भी इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही आचार्य थे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको सारा पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा यहीं से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, मतलब चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, या एक पायलट थे। तो नील आर्मस्ट्रांग, ये फोटो देख रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग का, ये जो विमान है इसका नाम था अपोलो 11। तो अपोलो 11 से देख रहे होंगे नील आर्मस्ट्रांग उतर रहा है, अपना पहला पांव यहाँ पे रखा हुआ है। तो चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका ये जो स्पेस क्राफ्ट था इसका क्या नाम था, तो ये नाम याद रखना है अपोलो 11, ठीक है। ये अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था 1930 में, उनका देहांत हो गया 2012 में, ये यूएसए से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, देखिए हम अभी पढ़े थे कि फर्स्ट मैन जो कि लैंड किया था मून पे वो था नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि अंतरिक्ष में स्पेस में यदि हम पृथ्वी देखिए तो पृथ्वी से जो ऊपर वाला पार्ट है ये सब स्पेस के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर यूरी गैगरिन थे, जो कि यूएसएसआर से, मतलब जो यूएसएसआर अभी हम कहें तो रसिया से था। कौन था, मेजर यूरी गागरिन। ये फोटो देख सकते हैं मेजर यूरी गागरिन का, और ये उस समय का रसिया का लोकल न्यूज़पेपर है जिसने न्यूज छापा था मैन इंटर्स स्पेस। तो कौन सा आदमी था, मेजर यूरी गागरिन, जो कि रसिया से थे। और इनका जो स्पेस क्राफ्ट था ये भी नाम आपको याद रखना है वोस्टोक 1, 1961 में यह मिशन कंप्लीट किया गया था, वोस्टोक 1 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वोमेन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी। तो यह पाकिस्तान की थी बनर्जी भुट्टो, यदि इमेज देख रहे हैं यह बनर्जी भुट्टो की है। और यह पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनी थी पूरे, पहली मुस्लिम वोमेन महिला प्रधानमंत्री बनी थी पूरे विश्व में, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यह नाम याद रखना है बनर्जी भुट्टो पाकिस्तान की। इनका जन्म हुआ था 1953 में और 2007 में इनका देहांत हो गया। यह दो टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी, एक बनी थी 1988 से 1990 और दूसरा कार्यकाल जो था इनका प्राइम मिनिस्टर का होता 1993 से 1996 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वोमेन पीएम ऑफ अ कंट्री, अभी हम पढ़े थे कि फर्स्ट वोमेन मुस्लिम पीएम, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसी देश की पहली महिला पीएम कौन थी। तो यह श्रीलंका की बनी थी, ठीक है, श्री रामबो बंदानिकाय, नाम देख सकते हैं आप, इनका प्रोनाउंसिएशन दो देख लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 1916 में और 2000 में इनका देहांत हो गया। यह 3 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1960 से 65, 70 से 77 एंड 1994 टू 2000। तो 3 टर्म तक यह प्राइम मिनिस्टर बनी थी और यह पहली महिला
प्राइम मिनिस्टर बनी थी, श्रीलंका से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, यहाँ पे महिला पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुनको तेबई, जो कि जापान से है। एक फोटो देख रहे हैं जुनको तेबई जी का है, जो कि यह जापान से बिलोंग करती है और ये पहली महिला बनी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये हम पहले भी देखे थे। इसका करेक्ट आंसर होगा विजयालक्ष्मी पंडित, 1953 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। ये इमेज देख रहे हैं आप, ये विजयालक्ष्मी पंडित का, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडियन सोयल, भारतीय भारत भूमि की पहली आक्रमणकारी कौन था, मतलब भारत पे आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर। आप सबको पता होगा अलेक्जेंडर सबसे पहला ऐसा विदेशी था जिसने भारत पे अटैक किया था। यह जो एक इमेज है, ये जो पेंटिंग है वो अलेक्जेंडर का है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरे विश्व पे अपना राज कर लिया था। और भारत में जब ये अटैक किया था तो पोरस से इनका सामना हुआ था, हालांकि पोरस की हार हुई थी लेकिन इसकी सेना बहुत भयभीत हो गई थी पोरस की सेना से। और यहाँ अलेक्जेंडर का जो सेना था वो और भयभीत हो गया था कि जब पोरस की सेना इतनी शक्तिशाली है तो मगध की सेना जो थी, जो है उस समय में बात करें तो धनानंद का राज था मगध एम्पायर पे, तो इस सेना से बहुत भयभीत हो गया था और इसने यहाँ से इसकी सेना यहाँ से वापस सोने के लिए इसको मजबूर कर दिया। और यह 323 बीसी में लगभग 324-25 में यहाँ 24-23 में यह भारत से वापस चला गया और 323 बीसी में यह बेबिलियन पहुंच गया था और वहां पे इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ, मतलब धरती का नक्शा खींचने वाला पहला आदमी कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है अनैक्सिमेंडर। अनैक्सिमेंडर का इमेज है ये, अनैक्सिमेंडर पहला ऐसा व्यक्ति बना था जिसने धरती का नक्शा खींचा था। और ये देख सकते हैं जो वर्ल्ड का मैप था, फर्स्ट वर्ल्ड मैप इस तरह से बनाया गया था, इस तरह से दिखता था। तो यह हम वर्ल्ड मैप है, इस देख सकते हैं शायद ये श्रीलंका है, ये देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है, इसमें सारा कुछ स्पष्ट नहीं है, यह यूरोप का पार्ट है, इस तरह से वर्ल्ड मैप दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, मतलब साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि फ्रांस से था, सुल्ली प्रुधोम, जो कि फ्रांस से था। ये फोटो देख रहे हैं सुल्ली प्रुधोम का है। और यदि हम बात करें भारत में तो ये पता होगा आप सभी को, हम बताए भी थे, पढ़ाए भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर पहला ऐसा व्यक्ति बना था जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये दो व्यक्ति हैं, जीन एच दुनंत जो कि स्विट्जरलैंड से थे और फ्रेडरिक पैसी जो कि फ्रांस से था। तो ये दोनों व्यक्ति था जिसे शांति के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार किसे मिला था, तो डब्ल्यू सी रॉन्टजेन को मिला था, जो कि जर्मनी से है। ठीक है, इमेज देख सकते हैं आप, डब्ल्यू सी रॉन्टजेन का है और एक्सरे का भी आविष्कार इसी के द्वारा किया गया था। मेनली इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इनका एक विशेष योगदान था, इसी के द्वारा इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि केमिस्ट्री के फील्ड में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो ये थे जे एच वैन होप, जो कि हॉलैंड से है, इन्हें मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में। ये इमेज देख सकते हैं, जैकोबस हेनरिकस वैन होप, जो कि हॉलैंड से था और केमिस्ट्री के फील्ड में इसे पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका जन्म 1852 में हुआ था और इनका देहांत हो गया था 1911 ईस्वी में, और यह एक डच, मतलब ये डच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसे मिला था, हरगोविंद खुराना को, लेकिन हम यदि वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति बना था एमिल एडोल्फ वॉन गेहरिन, जो कि जर्मनी से है, इसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिकल के क्षेत्र में। इनका जन्म हुआ था 1854 में और इनका देहांत हो गया 1917 में, और ये एक जर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट मेल, मतलब पहला स्पेस टूरिस्ट यात्री कौन था मेल की बात करें, तो यह है डैनिश टिको,
जो कि यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करता है, जो 2001 में स्पेस की यात्रा, अंतरिक्ष की यात्रा सफलतापूर्वक तय किया था। ठीक है, तो डैनिश टिटो जी का ये इमेज है, देख सकते हैं, यह न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था 1940 में और ये अभी 79 ईयर्स ओल्ड है। टोटल 7 दिन 22 घंटे और 4 मिनट तक इसने स्पेस में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट फीमेल, यदि हम मेल की बात करें तो डैनिश टिटो था, वहीं पे हम फीमेल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है मिसेज अनोइस अंसारी। ठीक है, आपको याद रखना है कि अंसारी थी जिसने, जो पहली ऐसी महिला बनी थी जो स्पेस अंतरिक्ष की यात्रा सफलतापूर्वक तय की थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1966 ईयर ओल्ड है और ये टोटल 53 ईयर्स की है। ठीक है, और यह भी अमेरिकन है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस वीडियो को आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।